हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम देखने वाले हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। ये बेसिकली लैडर प्रॉब्लम है। बेसिकली इसमें क्या है कि ये इस टाइप के इनफाइनाइट सीरीज जाएंगे आपके रेजिस्टेंस के। बेसिकली क्या है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं, लेकिन कितनी कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब हमें इस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लास्ट टाइम पे बताया था कि इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि समुंदर में से एक बूंद निकाल लो या फिर समुंदर में एक बूंद डाल दो, ओवरऑल समुंदर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट यही है और इसी कॉन्सेप्ट को याद रखो, ठीक है। इसमें देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें ये आपको बेसिकली दिख रहा होगा कि एक रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या है? ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, आपको ये दिख रहा है? एक बार रेजिस्टेंस, नीचे नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस, आपको ये दिख रहा है रिपीटिंग पैटर्न? रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है ना। तो क्या है एक्चुअली में यहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न? ये पूरा हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा क्या है रिपीटिंग पैटर्न दिख रहा है ये वाला? यहां से ये पूरा हिस्सा क्या है रिपीटिंग पैटर्न। और मान लो मैंने कह दिया इस रिपीटिंग पैटर्न का जो नेट रेजिस्टेंस है, इस रिपीटिंग पैटर्न का नेट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया? अच्छा, इस नेट रेजिस्टेंस एक्स मानने के बाद इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ कुछ ऐसा बनेगा। अरे बोलो, ऐसा बनेगा? अच्छा देखो, ये पूरा क्या है? समुंदर। अरे समुंदर है ना, उस समुंदर का नेट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स। अच्छा, उस समुंदर में मैंने एक बूंद जोड़ दिया, कोई फर्क पड़ा? इसका भी नेट रेजिस्टेंस क्या ही रहेगा? इसका भी नेट रेजिस्टेंस क्या ही रहेगा? एक्स ही रहने वाला है। हाँ भाई, तो बेसिकली क्या था, ये जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है उसका नेट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स। तो मैंने ये कह दिया यहां से यहां तक का नेट रेजिस्टेंस क्या है? एक्स। और ये वाला पोर्शन मान लो मैंने हटा दिया तो क्या रहेगा? एक्स रहेगा। और ये वाला पोर्शन जोड़ दिया तो भी नेट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे रेजिस्टेंस का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? एक्स ही आएगा। ये क्लियर है ना? बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों पैरेलल, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इसका नेट रेजिस्टेंस आएगा आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। और ये क्या है? आर। अच्छा, अब ये देखो, ये दोनों के दोनों किसमें? सीरीज में। तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। और ये जो नेट रेजिस्टेंस है किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर होगा। बस यही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। यही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वो सॉल्व करो, ये आ गया एलसीएम लिया तो ये आ गया आर इंटू आर प्लस एक्स, और प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स टाइम्स आर प्लस एक्स इक्वल्स टू आर इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स। इसको ओपन कर दिया, जब इसको ओपन किया तो ओपन करने पर मुझे मिला आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। तो एक आर एक्स से एक आर एक्स कैंसिल। ओवरऑल जब सॉल्व किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई। अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपको पढ़ा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कीजिए। तो यहां से एक्स की आपको रूट्स मिलेंगे, वो क्या मिलेगा? फॉर्मूला मालूम सभी को? यस और नो? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। फॉर्मूला आपका क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। वॉट इज ए बी सी? ए बी सी आर द कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें ए बी सी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू माइनस आर मिलेगी और सी की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर। क्लियर? फॉर्मूले में मैंने पुट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा क्या? माइनस टाइम्स ऑफ
आर माइनस ऑफ माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज व्हाट, माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4ac, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस आर स्क्वायर, ओके माइनस टाइम्स आर स्क्वायर, ये क्या आएगा इनटू माइनस टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व होकर बनेगा प्लस का 4r² और ये रहा आर स्क्वायर, तो ओवरऑल 5r² डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, ओके तो ये सॉल्व होकर क्या बनेगा r प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट 5r² है, तो r बाहर अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। देखो x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई ये। अब सुनो देखो यहां पर आपको दो वैल्यू मिली है, क्या मिली है दो वैल्यू मिली, x की वैल्यू एक प्लस में मिली और एक नेगेटिव में मिली है, तो यहां पर या तो x क्या होगा r प्लस आर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 या फिर r माइनस आर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये देखो ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, कैसे आर रूट 5, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है 2 से ज्यादा, 2 और ये 1 है, तो ओवरऑल माइनस आएगा और रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव में होगा नहीं, इसी वजह से ये आंसर है नहीं, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा ये वाला होगा। क्लियर है, इसको याद रखना।